सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9708441666 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पर विजिट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, फिर से AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नवीन मिश्रा फिर आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ। आज हम देखेंगे कि हमारे आईफोन में कई बार ये होता है कि डिस्प्ले कनेक्टर या टच का कनेक्टर जो जैक होता है वो टूट जाता है, ख़राब हो जाता है दबने से या फिर वाटर डैमेज से ख़राब हो जाता है, तो वो हमें रिप्लेस करना पड़ता है दूसरे बोर्ड से या तो फिर न्यू जैक से। दूसरे बोर्ड से हमें जैक निकाल के डालना पड़ता है या तो फिर न्यू हमारे पास अवेलेबल है तो उसको हम डालते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, ये चूँकि हॉटगन से ही होगा और तरीके से होगा कि वो जले नहीं, ख़राब नहीं हो, हॉटगन से ही इसको हम निकालें और हॉटगन से ही वापस हम इसको लगाएं। लगाने के लिए तो आप आयरन से भी लगा सकते हैं लेकिन निकालने का जो प्रोसेस है वो हॉटगन से ही है। और आयरन से अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से हॉटगन जो है आपका कंप्लीट हीटिंग करके जैक को जो है वो अच्छे से फिट करता है। तो आइए देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से बोर्ड से जैक को निकाल के उसमें दूसरा नया जैक डालते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड को PCB स्टैंड पर ले लेंगे। PCB स्टैंड पर लगाने के बाद हम इसको किस तरीके से निकालेंगे ये चीज़ हमें देखना है। तो इसके लिए हॉटगन का जो टेम्परेचर है इसको हमें फिक्स करना होगा 270 से 280 के बीच में, और एयर को भी कम रखना होगा 2 पे। उसके बाद हम हीट को, अब इसको हम हीट करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट डाल देंगे। फ्लक्स पेस्ट डालने के बाद इसको हम फ्लक्स पेस्ट इस पर डालेंगे। सपोज दैट ये जैक है, हमें इसको चेंज करना है तो फ्लक्स पेस्ट इस पर डालेंगे। और फ्लक्स पेस्ट डालने के बाद कंप्लीट तरीके से इसको कैसे हमें करना है, प्रॉपर जो है फ्लक्स पेस्ट जो है हम इस पर लगा देंगे। हीट को एडजस्ट कर लेंगे 270 से 280 के बीच में, एयर 2 पे करेंगे। उसके बाद हमें इसमें सावधानी ये बरतनी है, हीट को आप 300 तक भी रख सकते हैं। हमें करना ये है कि हॉटगन को एक जगह फिक्स करके नहीं रखना है, हमको इसको हिलाते रहना है, जो एयर जो है वो चारों तरफ से एयर और हीट इस पर पड़े। एक जगह हम अगर इसको ऐसे करके रखेंगे तो जल जाएगा, इसलिए इसको हिलाते रहना है प्रॉपर तरीके से। जब लेड इसका जब पिघल जाए तो इसको हम ट्वीजर की मदद से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, प्रॉपर तरीके से हम इसको हीट करते रहेंगे और आयरन को एक जगह नहीं करके रखेंगे, एडजस्ट करके इसको हम हिलाते रहेंगे। उसके बाद आराम से जैक को है स्लाइड कर लेंगे या तो फिर इसको उठा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो जैक है वो निकल चुका है, इसको हमने प्रॉपर तरीके से निकाल दिया हुआ है। देखिए कहीं से कोई डैमेज नहीं है, कोई जला नहीं है इसको। अब इसी जैक को अगर वापस हमें लगाना है या दूसरे बोर्ड से निकाल के तो फिर न्यू जैक को लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके टिप्स को जो है उसको अच्छे तरह से क्लीन कर लेंगे। जो जैक हमने निकाला है यहाँ से, इसको अच्छे से टिप्स को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेंगे। अगर लेड ज़्यादा है तो लेड को साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इसको एसीटोन से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और फिर दूसरे जैक को थोड़ा सा पहले फ्लक्स पेस्ट इस पर डालेंगे, फ्लक्स पेस्ट डालेंगे और फिर जैक को प्रॉपर तरीके से इस पर एडजस्ट कर लेंगे।
तो दोस्तों इसको थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट हम और ऊपर से इसको डालेंगे साइड साइड से कि हाँ हमारा प्रॉपर तरीके से जो है वो लेड जो है वो कम्प्लीटली इसको एडजस्ट कर ले। और सेम प्रोसेस है, आयरन को उतना ही हीट पे और उतना ही एयर पे सेट करके इसको हम प्रॉपर तरीके से हिलाते रहेंगे और जब तक कि पूरी तरह से सारे इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपस में कनेक्ट ना हो जाएं। और देखिए दोस्तों इसके जो पॉइंट्स हैं जो पिने हैं वो बोर्ड पे पूरी तरह से फिक्स हो गई हैं। ये देखिए जो पिन हैं ये सारी जो है वो बोर्ड से पूरी तरीके से टच हो गई हैं, पूरी तरह से फिक्स हो गई हैं। और फिर इसको हम अब थोड़ा ठंडा होने के बाद क्लीन कर लेंगे। इसको हम क्लीन करके देखते हैं कि हमारा प्रॉपर तरीके से जो है वो फिक्स हुआ कि नहीं। तो अब देखिए दोस्तों हमारा जो जैक है वो प्रॉपर तरीके से लग चुका है। इसको हम थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखाते हैं कि यहाँ आपको क्लीन पूरी तरह से दिखे। ये देखिए दोस्तों हमने जैक को पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से इसमें फिक्स कर दिया है, ठीक है। उसके बाद कई बार होता है कि फिक्स करने के बाद, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमने जैक को चेंज किया। इसी तरीके से आप डिस्प्ले जैक, टच का जैक और बैटरी कनेक्टर जो होता है उसको भी इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से हम निकाल के और ख़राब कनेक्टर को निकाल के नए से रिप्लेस कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों ध्यान रखना है ये है कि आसपास में अगर आपको कंपोनेंट्स हैं जो जल सकते हैं और जो आपके हीट पड़ने से ख़राब हो सकते हैं, तो उस पर आपको हीट असिस्टेंस टेप जो है हीट टेप उसको लगा के तब ये काम करना है। और ध्यान रखना है कि आसपास छोटे कंपोनेंट्स हैं वो ना डैमेज हो। और दोस्तों आप इसी तरह की आईफोन की ट्रेनिंग, आईफोन रिपेयरिंग की ट्रेनिंग चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए नंबर पे संपर्क करें हमसे और हमारे यहाँ कोर्स करें और बेटर ट्रेनिंग लें जिससे कि आप आईफोन में एक अच्छे रिपेयर अच्छे तरीके से रिपेयरिंग करें और एक अच्छा मैकेनिक बन पाए। अभी के लिए इस वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू।